Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum everyone. Imtiaz Arif here, your Pakistan Studies teacher for class 9th. Aaj hum chapter number 4 ka question number 6 discuss karenge, which is about the objective resolution of 1949. The contents of this topic are available on page 100 to 102 of your book. The basic objective of this discussion is to provide you in-depth knowledge about the objective resolution of Pakistan 1949. Objective resolution kya hai, iski ahmiyat kya hai, iske asraat kya hai, wagaira wagaira. Historically, we need to know that this document was presented by the first Prime Minister of Pakistan, Liaquat Ali Khan Sahab, in front of the Constituent Assembly. Constituent Assembly, लेजिस्लेटिव असेंबली को कहते हैं. आज जिसको हम नेशनल असेंबली के नाम से जानते हैं, उस वक्त इट वॉज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. और ये जहन में रखें कि 1945-46 में जो इलेक्शंस हुए थे, वो मेम्बरान उसमें से सारे जो मुसलमान मेम्बरान थे, वो पाकिस्तान बनने के बाद कराची आए और यहाँ पाकिस्तान की पहली जो नेशनल असेंबली थी वो वजूद में आई. तकरीबन 30 के करीब इसके मेम्बर्स थे. लियाकत अली खान साहब ने ये जो डॉक्यूमेंट था तो ये इनके सामने पेश किया और फिर 12 मार्च 1949 को असेंबली ने इसको मंजूर किया और इस तरीके से ये पाकिस्तान का एक उबूरी आईन. इट वाज नॉट ए कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन, दैट वाज सिंपली अ गाइडलाइन जिसकी मदद से मुस्तकबिल के जितने भी आईन थे तो वो बनाए जाने थे. ये इतना अहम डॉक्यूमेंट था और इसमें जो उसूल बयान किए गए थे, they were so important that it served as the preamble for all the following constitutions of Pakistan. 1956 mein hamara jo pehla constitution aaya tha usme bhi ye objective resolution preamble mein maujood hai. 1962 mein Ayub Khan sahab ke daur mein again it was kept in the preamble of the constitution. 1973 ye yahan par galti se maine 1963 likha hai, this is 1973 ka jo constitution tha. 1973 की जो कॉन्स्टिट्यूशन था इसमें ये पहले तो प्रीएम्बल में मौजूद था, फिर 1985 में ज़ियाउल हक साहब के दौर में जो उन्होंने आईन में आठवीं तरमीम की थी, द एट अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, फिर इस अमेंडमेंट के जरिए इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को जस्टिसेबल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बना दिए. जस्टिसेबल पार्ट से मुराद ये है कि अब इस प्रीएम्बल पर भी अमल करना जरूरी है. प्रीएम्बल आप लोग जिस तरह जानते हैं, हमारे जो कोर्स की किताब होती है उसमें भी स्टार्ट में एक चैप्टर होता है जिसको हम प्रीएम्बल या प्रीफेस, उर्दू में उसको दीबाचा पेश लफ्ज वगैरह कहते हैं. ये जो चैप्टर होता है अमूमन ये किताब लिखने वाले ने, द ऑथर ऑफ द बुक ने लिखा होता है और ये हम पढ़ते नहीं है ना, इसमें से एग्जाम में कोई सवाल वगैरह आता है और इसमें ऑथर अमूमन ये बताने की कोशिश करता है कि ये बुक क्यों लिखी गई है, इसका मकसद क्या है, इसमें क्या क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ द बुक. ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है इसमें भी चूंकि वो उसूल थे बयान किए गए थे जिनकी बुनियाद पर आगे फ्यूचर में कॉन्स्टिट्यूशंस बनाने थे, इस वजह से ये डॉक्यूमेंट बहुत अहम था और इसको 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन का परमानेंट हिस्सा बनाया गया. मतलब ये कि अब अगर हुकूमत पाकिस्तान इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बयान किए गए किसी भी उसूल की खिलाफ वर्जी करती है, सो कोई भी पाकिस्तानी शहरी जाकर हुकूमत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुकदमा कर सकता है कि ये इस पर अमल नहीं कर रहे वगैरह वगैरह. इसके जो अहम नुकात हैं उसके बारे में हम बात करेंगे. पहला जो इसमें नुकता बयान किया गया था, दैट वाज सॉवरेनिटी ऑफ अल्लाह अलमाइटी, कि तमाम इख्तियारात का मालिक अल्लाह है. अब जब मालिक हम कहते हैं तो अल्लाह की जो सॉवरेनिटी है इससे मुराद ये है कि अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिए हैं उसको भी मानना जरूरी है, इसलिए कि सिर्फ हुक्म जुबान से मानना जरूरी नहीं होता, उस पर अमल करना मकसद होता है. तो अगर हम अल्लाह ताला को अल्लाह माने लेकिन उनका हुक्म ना माने तो फिर तो ये अल्लाह ताला के इख्तियारात को चैलेंज करने वाली बात है. तो इस वजह से पाकिस्तान में जितने भी इख्तियारात इस्तेमाल किए जाते हैं ये अल्लाह ताला के बयान किए हुए कवानीन की रोशनी में ही तरतीब दिए जाएंगे और इसमें ख्याल रखा जाएगा कि कहाँ कहीं पर भी हम अल्लाह ताला के अहकामात के खिलाफ वर्जी ना करें.
जो भी हम लेजिस्लेशन करेंगे, लेजिस्लेट मींस टू मेक लॉ, हम जो कानून बनाएंगे, चाहे हमने माजी में बनाए 1956 कॉन्स्टिट्यूशन, 1962 कॉन्स्टिट्यूशन, देन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, या आगे मुस्तकबिल में भी हम इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में अब जो भी चेंजेस करते हैं, तो ये जितने भी कानून हैं ये कुरान और सुन्नत की रोशनी में होने चाहिए। कहीं पर ऐसा ना हो कि हमारे बनाए हुए कानून कुरान और हदीस के साथ मुतसादिम हो, दे मस्ट नॉट बी रिपग्नेंट टू द बेसिक इंस्ट्रक्शन ऑफ द कुरान एंड द हदीस। इस्लाम हमें जिन आला जो वैल्यूज हैं उनकी तलकीन करता है, उसका हमने ख्याल रखना है। इस्लाम हमें जो डेमोक्रेसी सिखाता है, जमहूरियत, हमने उसी तरीके से डेमोक्रेसी को चलाना है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ इन प्रैक्टिस ये चीज जहन में रखें, द काइंड ऑफ डेमोक्रेसी विच वी आर फॉलोइंग इन पाकिस्तान इज नॉट द इस्लामिक डेमोक्रेसी। दिस इज द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी विच हैज प्रिवेल्ड इन पाकिस्तान। लेकिन बस जमहूरियत से ही अमूमन यही मुराद लिया जाता है कि अवाम की मर्जी से, द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल, तो जो हुकूमत अवामी मशवरे से, अवामी नुमाइंदों के जरिए चलाई जाए, इसको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहते हैं। अगरचे उसकी साख में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन हमने हर हाल में जमहूरियत को बरकरार रखना है। इस तरह आज़ादी, इस्लाम जो आज़ादी देते हैं, फ्रीडम से मुराद ये नहीं है कि बिल्कुल बस कुल्लम कुल्ला आज़ादी। कायदे आज़म ने इसको बड़े खूबसूरत अंदाज में, अल्फाज में पेश किया, टू ब्रेक द शैकल्स ऑफ स्लेवरी एंड चूज अवर ओन शैकल्स ऑफ मॉरेलिटी एंड रिलीजन, कि हम गुलामी की जंजीरें तोड़कर फिर अपनी मर्जी से जंजीरें अपने लिए चुन लें। जो मजहब हमने चुना है अपनी मर्जी से, इस्लाम को कबूल किया, उसके जो पाबंदियां हैं हम उसको मानेंगे, यहाँ पर हम आजाद नहीं है। फिर हम जिस मुआशरे में रहते हैं, मोरालिटी जो हमारे जो सोशल सेटअप है उसमें जो अखलाकियात है उसको आप मानेंगे। तो इस वजह से फ्रीडम से मुराद वो आज़ादी के जिसमें मुआशरे, अखलाकी कदरों और मजहब के जो अखलाकियात हैं उनका ख्याल रखा जाए। इक्वालिटी, मसावात, इस्लाम भी हमें कहता है पाकिस्तान में भी मसावात कायम किया जाएगा, कि हर पाकिस्तानी शहरी बराबर हैं और किसी के साथ किसी भी लेवल पर डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर एंड लैंग्वेज वगैरह नहीं की जाएगी, दे वुड ऑल बी कंसिडर्ड इक्वल। टॉलरेंस, आज के दौर में हमें जो सबसे बड़ा मसला दरपेश है, दैट इज टॉलरेंस, बर्दाश्त। हम एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को बर्दाश्त नहीं करते। हर आदमी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूसरे पर टोंसने के चक्कर में है, बस जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एग्रीड नहीं है मैं उसको कुल्लम कुल्ला आराम से बस काफिर डिक्लेयर करके, चलो इसको बम मारो, गोली मारो, कत्ल करो, ये मारा मारी, ये जो दहशतगर्दी आप देख रहे हैं, दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ द इंटॉलरेंस विच इज प्रीवेलेंट इन आवर सोसाइटी। हर आदमी ये कहता है मैं सही हूँ, दूसरा अगर मेरे तरीके से जिंदगी नहीं गुजारता तो बस मेरे हिसाब से ये काबिल कत्ल है, और जिसका नतीजा फसाद की सूरत में निकलता है। देन द सोशल जस्टिस, मुआशरे में इंसाफ होना चाहिए, हर आदमी को उसका जायज हक मिलना चाहिए और कहीं पर जुल्म नहीं होना चाहिए, और जितने भी लोगों की जरूरियात हैं वो इंसाफ के साथ पूरी की जानी चाहिए। इस तरीके से ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में ये उसूल बयान किया गया कि हमें इनफरादी तौर पर, इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली इन द फॉर्म ऑफ ए नेशन, हमने इस्लामी तरीके से जिंदगी गुजारनी है। चाहे मैं अपनी जाती जिंदगी गुजारू तो उसमें भी मैंने ख्याल रखना है कि इस्लाम के मुताबिक हो, और हम नेशनल लेवल पर, कलेक्टिव लेवल पर कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि जो इस्लाम के मुतजाद हो, कोलाइडिंग हो, और जिससे इस्लाम पर हर्फ आता हो। एक जो और उसूल इसमें बयान किया गया था कि हमारे मुल्क में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो हमारे मुल्क में ऑलरेडी है, जो आप देख रहे हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है इस्लामाबाद में बैठी हुई है, वहां पर प्राइम मिनिस्टर होता है जो इंचार्ज होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, फिर उसके सर के ऊपर एक दूसरा बंदा बैठा होता है हु इज कॉल्ड द प्रेसिडेंट, के जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, सारी रियासत का सरबराह होता है, और इस तरीके से सारे का सारा मुल्क का निजाम चलता है। और इसमें जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, फेडरेटिंग यूनिट्स मीन्स द प्रोविंसेस, इनको आज़ादी हासिल होगी आइन के मुताबिक, कि आइन इनको जहां जहां जितनी आज़ादी देते हैं तो इतनी आज़ादी सूबों को हासिल होगी, बाकी इख्तियारात सेंट्रल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट के हाथ में होंगे। इस तरीके से इसमें यह भी बयान किया गया था कि जो लोगों के बुनियादी हुकूक हैं
और इनको कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्ट किया जाएगा कि आईन में लिखा जाएगा कि लोगों के ये हकूक हैं, अगर उनको कोई हक ना मिले सो दे कुड गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ एंड डिमांड फॉर द राइट विच दे हैव बीन डिप्राइड ऑफ आर दे हैव नॉट बीन गिवन द राइट। इस तरीके से इस कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी बयान किया गया था कि जितने भी हमारे गरीब या ऐसी क्लासेस सप्रेस्ड क्लासेस हैं जिनके पास बुनियादी सहूलतें नहीं हैं, जो देहात में रहते हैं, तो इनको जिंदगी गुजारने के लिए जितने भी बुनियादी हुकूक हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे, इनके हुकूक को प्रोटेक्ट किया जाएगा, और जो इनके जायज जरूरियात हैं, मतलब ख्वाहिशात तो हर आदमी के बेशुमार हो सकते हैं, लेकिन फिर देखना यह है कि विद इन आवर कैपेसिटी विद इन आवर रिसोर्सेज अंडर द पैरामीटर्स डिस्क्राइब इन द कॉन्स्टिट्यूशन, फिर कौन कौन से हुकूक हैं जो लोगों को देने चाहिए और जो उनका हक है या उनको ना दिया जाए। इस तरह जो हमारे मुल्क में अकलियतें रहती है माइनॉरिटीज, उनके मजहबी उनके सकाफती प्रोटेक्शन का भी इस्लाम हमें क्लियर कट उसूल देते हैं कि जो हमारे मुल्क में नॉन मुस्लिम रहते हैं वो अपने मजहब पर अमल करने में आजाद हैं, उनका अपना जो कल्चर है लाइफ स्टाइल है मजहब की रोशनी में, जिस तरीके से ड्रेसिंग उनके त्योहार है वो जिस तरीके से जिंदगी गुजारते हैं वो सारे कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड है। फिर जुडिशरी इंडिपेंडेंस है, अदलिया आजाद होगी इसलिए कि अदालत ही वो जगह है जहां से लोगों को इंसाफ मिलता है, अगर अदालत आजाद नहीं होगी तो फिर लाजमी बात है लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा। सो इस वजह से ये खास तौर पर बयान किया गया था कि ये हमारे मुल्क में जो अदालतें हैं दे वुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ एनी इन्फ्लुएंस और इनको आजादी के साथ काम करने का मौका दिया जाएगा। ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है ये एक बहुत अहम डॉक्यूमेंट थी इसलिए कि इसमें वो तमाम गाइडलाइंस उसूल बयान किए गए थे कि जिसकी मदद से हम एक इस्लामी मुआशरा कायम कर सकते हैं। सिंस द बेसिक एम ऑफ द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान वाज द क्रिएशन ऑफ एन इस्लामिक सोसाइटी, हमें एक ऐसा मुआशरा बनाना था एक मुल्क बनाना था कि जो इस्लाम के उसूलों पर चले। इस वजह से इसमें तमाम वो उसूल बयान किए गए जो एक इस्लामी मुआशरे के क्याम के लिए जरूरी है। सिमिलरली फिर इस डॉक्यूमेंट पे जितने भी उसूल बयान किए गए वो हमारे जो आईनी इफ्तिका के लिए बुनियाद का काम करते हैं कि फ्यूचर में हम जितने भी आईन बनाते हैं, जिस तरह हमने इसके बाद 1956, 62, 73 में आईन बनाए उस में बयान किए गए तमाम कवानीन के लिए ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बेस बुनियाद का काम करती है कि हमने इन्हीं उसूलों पर कवानीन बनाने, इससे हम बाहर नहीं जा सकते। इस डॉक्यूमेंट की वजह से हम एक कौम में तब्दील हो गए कि आज हम एक पाकिस्तानी कौम है, हमारा एक कानून है, हम एक ही तरीके से जिंदगी गुजारते हैं और हम संग चूंकि सारे वास्ट मेजोरिटी ऑफ दी पीपल ऑफ पाकिस्तान मुसलमान है तो हम उसी तरीके से जिंदगी गुजारते हैं कि जिसका हक हमें आईन के जरिए दिया गया है। ये वाहिद डॉक्यूमेंट था जिसकी मदद से लोगों के जो हुकूक है उनको तहफ़ दिया गया और इस वजह से ये बहुत अहम है कि पाकिस्तान के तमाम लोगों के लिए ये हुकूक के तहफ़ का वाहिद जरिया है और इसी की बुनियाद पर फिर आगे हमारे जितने भी दसातीर या कॉन्स्टिट्यूशन बने उनके लिए ये एक जरिया है एक बेस है। सो ये हमारा आज का टॉपिक था जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहलाया और इसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इसी लिए कहते हैं कि इसके जरिए हमने एक खास ऑब्जेक्ट एक एम एक मकसद गोल हासिल करना था और गोल यही था एक इस्लामी मुआशरे का क्याम इस्लामी मुल्क का क्याम। उसमें हम कितनी हद तक कामयाब रहे कितनी हद तक नाकाम रहे एक अलग बहस है लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास आज भी एक इस्लामिक डॉक्यूमेंट मौजूद है कि जिसकी बुनियाद पर एक इस्लामी मुआशरा तश्कील दिया जा सकता है। विद दीज वर्ड्स हम इस सवाल को ख़त्म करते हैं। अगर आपके जहन में अभी भी इसके मुतालिक कोई कन्फ्यूजन है लेट मी नो थ्रू माई व्हाट्सएप नंबर और इंशाल्लाह उसके हल के लिए कोशिश की जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर नाउ, अल्लाह हाफिज़।